हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े से बहुत सारी नई नई बातें सीख रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम तरल पदार्थों को या लिक्विड चीज़ों को लीटर या मिलीलीटर की मदद से नाप सकते हैं। तरल पदार्थों का मतलब हमारे घर में उपलब्ध दूध, तेल, पानी आदि से है। आपको ध्यान ही है कि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के। वेरी गुड। चलो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम लीटर में माप सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम मिलीलीटर में मापते हैं। बेटा, ये दो बोतल पानी की 250 ml की हैं और ये हमारे पास 0.5 लीटर की बोतल है, मीन्स 500 ml की। तो हम कितनी बोतलों से इस 500 ml की बोतल को भर सकते हैं, बताओ। वेरी गुड, दो बोतल से। इसका मतलब अगर हम 250 ml की दो बोतलों को इस बोतल में डालते हैं तो हमारा 0.5 लीटर पानी मीन्स 500 मिलीलीटर पानी हो जाता है। बेटा अब ये देखो, ये कितने लीटर की बोतल है। वेरी गुड, 1 लीटर की, मीन्स 1000 मिलीलीटर की। और ये हमारे पास है 500 मिलीलीटर की। तो बेटा बताओ, 1000 मिलीलीटर की बोतल को हम 500 मिलीलीटर की बोतल की मदद से कितनी बार में भर सकते हैं। वेरी गुड, दो बार में। बेटा अब ये देखो, हमारे पास 2 लीटर की बोतल है, मीन्स 2000 मिलीलीटर की बोतल है और हम 0.5 लीटर की बोतल की मदद से इसको कितनी बार में भर सकते हैं, 4 बार में। वेरी गुड। बेटा आपने दवाइयों की शीशी को देखा होगा, ये देखो, ये है 30 ml की, ये है 10 ml की बोतल। बेटा छोटी इकाइयों को मापने के लिए हम मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी इकाइयों को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घर की पानी की टंकी जो छत पर रखी हुई है, कितने लीटर की है, 500 लीटर की है। और बेटा जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर में मापते हैं। बेटा आँखों का ड्रॉप कितने ml का होता है। वेरी गुड, 5 ml का। देखो ये छोटा सा आई ड्रॉप है जिसको हम मिलीलीटर में नापते हैं। बेटा बच्चे जो दवाई खाते हैं वो भी मिलीलीटर में ही खाते हैं। आओ अब हम सब देखते हैं कि हमारे घर में किस किस चीज़ों को हम मिलीलीटर में माप सकते हैं और किस किस चीज़ों को हम लीटर में नाप सकते हैं।